आज हम ये सैमसंग F41 को हार्ड रीसेट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे हम हार्ड रीसेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए केबल, डाटा केबल, जिसे हमें कोई भी पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करना है और फिर मोबाइल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये वॉल्यूम बटन और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ दबाने हैं इस तरह से। जैसे ही मोबाइल बंद होगा आपको तीनों बटन छोड़ के वॉल्यूम और पावर बटन दबाने हैं। छोड़ के आप पावर अप और सैमसंग गैलेक्सी पावर ऑन गैलेक्सी 41 के बाद बटन प्रेस करके रखना है जब तक हेलो कुछ इस तरह का ना आ जाए। बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन से अप और डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं और पावर बटन से सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे फैक्ट्री डाटा रिसेट का जो है हमें ऑप्शन है। तो सिंपली हमें उसे डाउन बटन से नीचे जाके फैक्ट्री रिसेट पे आना है और वहाँ पे वॉल्यूम बटन दबाना है। सेकंड नंबर का ऑप्शन फैक्ट्री डाटा रीसेट पे फिर से आपको वॉल्यूम बटन दबाना है। अभी आपका जो मोबाइल है वो हार्ड रीसेट हो रहा है। इसे पूरा रिस्टार्ट होने दे। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम नाउ पे पावर बटन दबा देनी है। आपका मोबाइल पे मोबाइल जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको वेट करना होगा। आपका मोबाइल रिस्टार्ट होने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना है। इसे नेक्स्ट करके आपका मोबाइल किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वाईफाई टर्न ऑन वाईफाई इस पर क्लिक करके इसे जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ आपको आपका पुराना ओल्ड पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपना गूगल मेल आईडी से इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने मेल आईडी या फ़ोन नंबर डालना होगा। उसके बाद इसका पासवर्ड डालना है तभी ये मोबाइल जो है स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।